रेट तकरीबन इन्वेस्टिगेशन उन्हां दी 5 घंटे तकरीबन चली है। संगत नूं टाइम टू टाइम हर एक गल दा जिहड़ा ट्रांसपेरेंसी रखदे आ, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट चलदे आ। अमरप्रीत नूं कोई परसनली या कोई फंडिंग कर रहा हो तां अमरप्रीत दे सवाल ने, इस सवाल सारे खालसा एड दे रिलेटिड सी, असीं वी उन्हां दे खिलाफ हाँ। बट जिहड़ी जथेबंदी लोकां नूं तुसीं अज कोई भी एरिया दे विच घर जाके पुछो भी किहड़ी संस्था काम कर रही है, अगर हर एक दी जबान दे उत्ते खालसा एड है, ना ही कोई धर्म दे आधार ते चल रही है, असीं सिख प्रिंसीपल नूं अगे लैके जा रहे हां। पर इह किसे धर्म तक सीमित नहीं गी, किसे जात तक सीमित नहीं, किसे पोलीटिकल पार्टी तक सीमित नहीं। असीं संगत नूं टाइम टू टाइम हर एक गल दा जिहड़ा ट्रांसपेरेंसी रखदे हां, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट चलदे हां। पर जो भी उन्होंने क्वैरी सीगियां, मैं हर एक जो जवाब मेरे कोले सीगे मैं सारे जवाब दिते ने, ते पर फिर भी उन्होंने मैनू की कहिंदे ने 3 तरीक परसों नू जिहड़ा कि NIA दे ऑफिस दिल्ली दे विच घर बुलाया गया। नहीं, मैं अमरप्रीत कला तो है ही नहीं जिन्होंने कुछ अज खालसा एड इंडिया दे विच घर चल रही है। सो मेरा मतलब यू नो पूरी लाइफ ही खालसा एड नू डेडिकेटिड है। सो मैं प्रोफेशनली पायलट हाँ, बट मैं सारिया नू पब्लिकली और मीडिया के उत्ते भी बहुत बार इंटरव्यूज किए कि मैं फुल टाइम अगर खालसा एड नू डिवेलप कर रहे हैं और इस नू ग्रो कर रहे हैं। सो फ्रॉम द 2014 इस चीज़ नू खालसा एड नू डिवेलप ही किया, और अज अगर लोगों के विचकार वो पहचान बनी तो अमरप्रीत इंडिविजुअल लैवल तो कुछ नहीं है। जो फंडिंग नू लैके सवाल है, अमरप्रीत नू तो कोई नहीं फंडिंग कर रहा, अमरप्रीत नू कोई परसनली या कोई फंडिंग कर रहा हो तां अमरप्रीत दे सवाल ने, इस सवाल सारे खालसा एड दे रिलेटेड सी, और उन्होंने खालसा एड दे भी अकाउंट्स या कुछ स्टेटमेंट्स वो सारा कुछ उन्होंने मैंने एक लिस्ट देती है, वो डॉक्यूमेंटेशन लैके भी उन्होंने तक परसों जो है वो पहुँचना। हाँ जी, मेरा मोबाइल उन्होंने सीज़ किया और कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स साढ़े खालसा एड के ऑफिस तो उन्होंने कहा कि असं लैके जाना चाहते हैं, और बकायदा अपने प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली दे के गए हैं कि यह चीज़ें वो लैके चले। नहीं, मेरे को एक मोबाइल से जी वो लैके गए हैं जी। हाँ जी, बट जिहड़ी जथेबंदी लोगों तुम अज कोई भी एरिया के घर जाके पुछो भी कि संस्था काम कर रही है, अगर हर एक की जबान के उत्ते खालसा एड है तो दैन इस मतलब टारगेट ही मनिया जा सकता है। सो असी अज की डेट च भी प्रेजेंटली साढ़े इन्ने काम चल रहे हैं, इन्ने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्कूल हॉस्पिटल बच्चों की एजुकेशन वेलफेयर घर बनाए जा रहे हैं। सो सेवा के उत्ते क्वेश्चन क्यों है, मैं तो मतलब इस गल तो शॉकड हाँ कि इस टाइम के उत्ते ये चीज़ होनी वो साड़ी टीम नू उन्हों का मोराल डाउन कराने लई गल। कोई भी मतलब लड़ाई लगी है, असी सहारनपुर दंगे हुए ने, दिल्ली दंगे हुए ने, एक जगह पर अपने आप नू उत्ते जाके असी सेवा निभाई है, पर उसकी जवाबदेही अमरप्रीत दे सकदा। पर जे कोई साडा कोई वॉलंटियर होवे, कोई होर साडे नाल एसोसिएटेड बंदा होवे, उहदी आइडियोलॉजी कोई डिफरेंट होवे, उसका जिम्मेवार अमरप्रीत नहीं हो सकता, उसका जिम्मेवार खालसा एड पूरी संस्था नहीं हो सकती। तो खालसा एड की आइडियोलॉजी सारयां नूं क्लीयर है। असी ईवन जदों साडी इंडक्शनस हुंदियां, साडे वॉलंटियर बनते हैं, असी उन्हां दी ट्रेनिंग करते हैं कि खालसा एड ना ही कोई धर्म के आधार पर चल रही है, असी सिख प्रिंसीपल नूं अगे लैके जा रहे हैं, सिख प्रिंसीपल्स दे अकॉर्डिंगली अगे चलते हैं। पर यह किसी धर्म तक सीमित नहीं गी, किसी जात तक सीमित नहीं, किसी पोलीटिकल पार्टी तक सीमित नहीं। अज तक असी अपने आप नूं बिल्कुल नॉन पोलीटिकल और नॉन रिलीजियस होकर चले। सो यही साडा एजेंडा है और यही साडा एम है कि असी इस तरीके नाल ही चलना है। बट फिर भी अगर कोई किसी के परसनल व्यूज़ कोई सोशल मीडिया पर पा रहा है या कोई इंडिविजुअल कपैसिटी के विचकार कर रहा है, उस आंसरेबल सानू नहीं होना चाहिए।